स्वर्ग और नरक एक बार की बात है। गांव में एक पवित्र व्यक्ति रहता था। वह हमेशा स्वर्ग और नरक के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन पवित्र व्यक्ति भगवान से मिला। जब वह भगवान से मिला तो उसने पूछा, प्रभु क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्वर्ग और नरक कैसा है? तो भगवान मुस्कुराए और उसे दूसरी दुनिया में ले गए। वहां वे दो दरवाजों के सामने खड़े थे। भगवान ने उसे जाने के लिए कहा और प्रत्येक दरवाजे के अंदर खुद जाकर देखने के लिए कहा। पवित्र व्यक्ति ने जाकर पहला दरवाजा खोला। वहां उसने बड़ी गोल मेज देखी जिसके चारों ओर लोग बैठे थे। मेज के बीच में स्वादिष्ट सूप का एक बड़ा बर्तन रखा गया था। वहां बैठे सभी लोगों के हाथों में बहुत लंबे चम्मच थे। मेज के बीच में स्वादिष्ट सूप के बर्तन तक पहुंचने के लिए चम्मच काफी लंबे थे, लेकिन लंबे चम्मच के कारण भजन से भरा चम्मच लोग मुंह में नहीं ले पा रहे। लंबे चम्मच की वजह से खाना ना खा पाने के कारण वे सभी दुबले पतले और बीमार लग रहे थे। वहाँ के लोग बहुत दुखी थे। वहाँ पीड़ित लोगों के दुख को देखकर पवित्र व्यक्ति कांप उठे। वह उस कमरे से बाहर आया और दूसरे कमरे का दरवाजा खोला। दूसरा कमरा बिल्कुल पहले कमरे जैसे ही था। बड़ी गोल मेज और उसके बीच में स्वादिष्ट सूप का बर्तन। वहां बैठे सभी लोगों के हाथों में लंबे चम्मच था, लेकिन यहाँ के लोग स्वस्थ थे। वे दूसरे से बातें कर रहे थे और खाना खा रहे थे। पवित्र व्यक्ति यह देखकर प्रसन्न हुआ और उस कमरे से बाहर आ गया। फिर पवित्र व्यक्ति भगवान के पास गया और कहा, मुझे समझ नहीं आया कि दोनों कमरे एक ही जैसे हैं। फिर भी एक कमरा दुख से भरा है और दूसरा सुख से भरा है। भगवान ने उसे समझाया, आपने देखा कि लंबे चम्मच दूसरे को खिलाने के लिए ठीक ठाक है, लेकिन खुद को खिलाने के लिए ठीक नहीं है। आप जिस कमरे में पहले गए थे वह नरक था। वहाँ के लोग लालची हैं और केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे की मदद नहीं करना चाहते, जिसके कारण वे अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं और दुख को झेल रहे हैं। और दूसरा कमरा स्वर्ग था। यह उन लोगों से भरा है जो दूसरे की परवाह करते हैं और प्यार करते हैं, एक दूसरे को उन लंबे चम्मच से खिलाते हैं जिससे वे स्वस्थ और सुखी रहते हैं। तो इस स्वर्ग और नरक से यह शिक्षा मिलती है, यदि हम एक दूसरे का समर्थन और देखभाल करें तो हम अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं और खुशी से भी जी सकते हैं। तो ये आपको स्वर्ग और नरक की कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी।